हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में किया है, क्वेश्चन नंबर टू अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें केवल के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए यहाँ पर इक्वेशन के दो इक्वल रूट अवेलेबल हो। तो हम पहले कंडीशन याद करते हैं क्या होती थी कि जब दो इक्वल रूट तब होंगे जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करें अगर, तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो होगा यहाँ पे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई टू, बी की वैल्यू कितनी होगी के, और सी की वैल्यू हो गई थ्री। नाउ इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। रूट जो होंगे वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, डी इज इक्वल टू जीरो, जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए जीरो के। डी की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम देखते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो के स्क्वायर फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। जब आप इसका रूट फाइंड करेंगे तो देखिए रूट हम निकाल के देखते हैं, ट्वेंटी फोर टू ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री वन। तो टू रूट सिक्स हम निकाल सकते हैं इसको, के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट सिक्स इज द आंसर। मतलब क्वेश्चन में जब हमारे पास के की वैल्यू या तो प्लस रूट रूट टू रूट सिक्स होगी या माइनस टू रूट सिक्स होगी तो हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल कंडीशन में होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने से पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो के, या फिर टू के एक्स कह सकते हैं, टू कॉन्स्टेंट मैंने पहले लिख दिया, टू इंटू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जब हमने ये किया तो ए की वैल्यू हमारे पास आई के, बी की वैल्यू आई माइनस टू के, और सी की वैल्यू आई सिक्स, राइट। तो जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई तो हम क्या करें, तो हम आगे करते हैं कि हमें कंडीशन दिया है कि इक्वल रूट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने रीड किया था, सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट सेम तरह से करना है हमें। तो इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट जो है वो इक्वल है। तो इसकी सिचुएशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू जीरो। सर ये नेचर ऑफ रूट्स कहलाते हैं, है ना। हमने बोला था कि ये जो नेचर है रूट का वो डी इज इक्वल टू इक्वल होगा, कब, जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो डी की वैल्यू देखिए, हमने डी की वैल्यू है कितनी, तो डी की वैल्यू के लिए हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर मतलब कितना, माइनस टू के का स्क्वायर। यस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू अगेन के, और सी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इस केस में आप यहाँ स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करके तो यहाँ होगा फोर के स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, माइनस सिक्स फोर का ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। देखो भाई यहाँ पे ये दो वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को, ये हमारे पास हो गई वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए ए स्क्वायर ये सॉल्व कर लेते हैं।
देखते हैं इन दोनों में से हमारे पास 4k² - 24k = 0। अब आप देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ये तो कॉमन है, साथ में 4 जो है वो 24 का फैक्टर है, यस। तो हम यहाँ देखते हैं 4k कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बच गया k - 6, 6 4 24, इसलिए मैंने 6 से यहाँ रख दिया। तो आइदर 4k = 0 और k - 6 = 0, राइट। तो k = 0, तो यहाँ k = 0 हो जाएगा, 4 अगर 0 के अपॉन में जाएगा भी सही तो वैल्यू होगी 0, तो k = 0 फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन हो गई k = 6। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए कि k अगर 0 होगा तो भी इक्वल रूट होंगे और k अगर 6 होगा तो भी इक्वल रूट होंगे। पर अब आप सोचो क्या k 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए ऊपर यहां पर k 0, तो अगर ये k 0 हुआ तो क्या ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, नॉट, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर 0 हो गया और हमने पहले ही बोला है सर a की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि a does not equals to 0 in any condition, अगर a equals to 0 हो जाता है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहती है, राइट। तो फाइनली द आंसर विल बी k = 6, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है ना, और अब आप कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन भी अगर कोई और दी जाती है आपको। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।